तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग की तरफ से एक नया अपडेट आया है, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग की जो एक ऐप होती है, इसका नाम है गुड लॉक ऐप, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट्स के बाद क्या नए चेंजेस किए गए और उसके साथ में कौन कौन से मॉड्यूल्स में नए अपडेट आए, जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि बताया दोस्तों, मैं आपको नया अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल की गुड लॉक वाली ऐप में चले जाना है। गुड लॉक वाली ऐप में जाएंगे, वहां जाने के बाद आपको जाना है, यहाँ देखेंगे एन ऑटोमेटिक दिख जाएगा। यहाँ जाने के बाद जाना है आपको अपडेट वाले सेक्शन पे। जैसे ही आप अपडेट वाले सेक्शन पे जाएंगे, वो आपको ले जाएगा वहां पर गैलेक्सी स्टोर पे, और वहां पर आपको बता देगा कि एक नया यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। यहाँ नए अपडेट में देखेंगे इसमें क्या नया अपडेट आया हुआ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका वर्जन है 2.2.0.460, जिसमें कुछ बग्स को फिक्स आउट किया गया है और इसको रोल आउट कब किया गया है, 4 मई को, मतलब कि कल के दिन इसको रोल आउट किया गया है, जो कि 11 MB का ई अपडेट है। दोस्तों जब भी कोई नया अपडेट आता है, उसमें कुछ नए चेंजेस हो या ना हो, बट उसमें बग्स को फिक्स आउट किया जाता है हमेशा, तो आपको उसको करना चाहिए और सिक्योरिटी भी इम्प्रूव की जाती है। तो मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा रहता है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई नया अपडेट आए, कोई उसमें कुछ नए चेंजेस नहीं भी हो, तो भी आपको उसको करना चाहिए, क्योंकि ये ऐप आपको हर जगह यूज़ होती है आप कस्टमाइज़ करने पे, तो ये बहुत काम की ऐप है। अब इसको अपडेट करने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देखेंगे आप इसमें मॉड्यूल्स में भी नए नए अपडेट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नए नए मॉड्यूल्स आपको अपडेट मिल रहे हैं। आप यहाँ पर 3 डॉट्स में जाके अपडेट प्लगइन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे ही अपडेट प्लगइन पे जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि कौन कौन से प्लगइन पे नया अपडेट्स यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि साउंड असिस्टेंट, होम अप, मल्टी स्टार, टॉक फेस, क्यूक स्टार और लॉक स्टार, में सब में नए नए अपडेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप देख रहे होंगे ये सब में आपको नए अपडेट यहाँ पर अवेलेबल बता रहा है, इसको सब में नए नए अपडेट्स अवेलेबल बता रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल क्या चेंजेस किए गए, वही बग्स फिक्सेस का बता रहा है, बट आपको इसको सबको अपडेट कर लेना है। एक एक की ऐप में जाके भी देखेंगे तो उसमें भी कोई नया फीचर एड ऑन नहीं किया गया, सब में बग्स को फिक्स आउट किया गया। जैसा कि मैं आपको बताऊं, बैक आ जाऊं यहां से, तो आप यहां पर आप देखेंगे भी, आपको दिख भी जाएगा कि कौन कौन सी ऐप में नया अपडेट्स है, बट सब में बग को फिक्सेस किया गया, कुछ नया एड ऑन नहीं किया। जैसे लॉक स्टार पे जाएंगे आप, लॉक स्टार ऐप में जाएंगे तो सपोर्ट स्मार्ट स्विच बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन दे दिया गया है, लॉक स्टोर के अंदर आप इसको बैकअप ले सकते हैं। ऐसे ही साउंड असिस्टेंट में जाएंगे तो वहां पर क्या दिया गया, गुड लॉक सर्च फंक्शन दे दिया गया है, गुड लॉक में जाके आप सर्च आउट कर सकते हैं। ऐसे ही होम अप में जाएंगे, होम अप में जाके आपको क्या दिया गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे फिक्स बग दैट चेंज द फोल्डर ग्रिड आफ्टर रिबूटिंग, फिक्स द ग्रिड सेटिंग, बग्स ऑफ द कवर स्क्रीन इन फोल्ड, मतलब ये जो इश्यूज थे यहाँ पर, इन सबको सॉल्व आउट किया गया, या बोल सकते हैं उसको फिक्स आउट किया गया है। यहाँ पर क्लॉक फेस में जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या दिया गया है, एड GST बैकअप एंड रिस्टोर विल बी वर्किंग, GTS बैकअप इज वर्किंग विथ GTS न्यू वर्जन पे, ये यहाँ पर एड ऑन किया गया है। मतलब कि यहाँ पर सभी जो गुड लॉक वाली ऐप है, गुड लॉक वाली ऐप, सब में क्या दिया गया है, सिर्फ उसके बग को फिक्सेस किया गया है, सिक्योरिटी इंप्रूव की गई है, और उसको चलने का तरीका, मतलब चलने का तरीका नहीं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो आपको ओवरऑल सारी ऐप्स को अपडेट कर लेना है, और उसके बाद इसको आप यूज़ करोगे तो आपको खुद चलाने में मज़ा आएगा। जो उसमें कुछ हैंगिंग के इश्यूज आ रहे होंगे या स्लो वर्किंग के इश्यूज आ रहे होंगे, वहाँ पर आपके अधिकतर सॉल्व हो जाएंगे, और उसके बाद आप यूज़ करेंगे तो वो आपको लगेगा भी यार कि भाई वो चेंज हो चुका है। देख सकते हैं आप, इसका लोगो भी यहाँ पर चेंज आउट हो चुका है अपडेट होने के बाद। अपडेट होने के बाद आप देख सकते हैं इसका लोगो भी यहाँ पर चेंज आउट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर थीम पार्क में आप अपने थीम पार्क एड ऑन कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसमें आपको खाली अभी रिव्यू दे देता हूँ। थीम पार्क में अगर आपको थीम बनाना है तो आप थीम क्रिएट कर सकते हैं, कीबोर्ड की थीम क्रिएट कर सकते हैं, क्यूक पैनल की थीम क्रिएट कर सकते हैं, आइकन क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक नया अपडेट आया था अभी रिसेंटली, इसके बारे में आपको एक बता ही देता हूँ। यहाँ जाएंगे क्यूब पैनल में या 3 डॉट्स में, आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा चेंज कलर पैलेट का। आप यहाँ पर अपने मोबाइल का जो ये वाला ये होता है ना कलर पैलेट, ये चेंज आउट कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर येल्लो लेना है और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया, तो आप देखेंगे उसका कलर पैलेट वहाँ पर चेंज हो जाएगा, आपको थीम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो वहाँ पर चेंज आउट हो जाएगा। बट इसको इनेबल करने से पहले आपको देखना है कि आपके पास कोई भी थीम इनेबल नहीं होनी चाहिए, तो ये वर्क करेगा। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे,
वुडलाइट, जो कि काम करता है आपके मोबाइल के जो वॉलपेपर्स लगाते हैं आप लॉक स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे, उसके लिए वाला ऐप काम करता है, गुड लॉक वाला ऐप, सॉरी वुडलैंड वाला ऐप, वंडरलैंड वाला ऐप, वो उसके लिए काम करता है। क्रिएट योर ओन मूविंग वॉलपेपर, वीडियो वॉलपेपर बनाने के लिए काम आता है। लॉक स्टार, या आप इसको पूरे लॉक स्टार को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि यहाँ पर नॉर्मल लॉक स्टार है तो नॉर्मल लॉक स्क्रीन कैसी रहे वो आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की लॉक स्टार को भी यहाँ पर डिज़ाइन आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इसकी वॉच का स्टाइल चेंज करना हो तो वॉच का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर ऊपर नीचे चेंज करना है तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप चेंज आउट कर सकते हैं। ऐसे ही की कैफे में जाएंगे तो की कैफे में अंदर कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी इशूज़ होंगे वो यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिए गए, और यहाँ पर अगर आपको खुद का कीबोर्ड बनाना है तो आप अपना खुद कीबोर्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे नैव स्टार, नैव स्टार में आपको अपने मोबाइल के जो भी बटन से, स्वाइप इरेजर बटन से जो भी चीज़ें आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। होम अप में जाएंगे, होम अप में आप जो भी सेटिंग करना चाहें लाइक होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन का सब चीज़ें, होम स्क्रीन ग्रिड, ऐप स्क्रीन ग्रिड, फेवरेट, लूप अप, ऐप लिस्ट, फाइंडर ऐप, बैकग्राउंड ब्लर कर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे आएंगे क्लॉक फेस, आप अपने मोबाइल का क्लॉक फेस यहाँ पर चेंज आउट करना चाहें लॉक स्क्रीन का, तो वहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि अच्छे अच्छे लॉक स्क्रीन आप अपने डिस्प्ले पर लगा सके। तो उसलिए ये वाली ऐप यूज़ होती है, आप चाहें तो अपना बना भी सकते हैं, माई क्लॉक में जाके वॉच का भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके नीचे जाएंगे क्यूक स्टार, क्यूक स्टार क्या करता है, ये आपके मोबाइल की जो क्यूक पैनल है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको सेटिंग्स देता है। यहाँ पर जाएंगे लाइफ ऑफ में नाइट शॉट, नाइट शॉट आपको स्क्रीन शॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में मज़ा आपको हेल्प करता है, उसके लिए आपको नए नए फंक्शन एड ऑन किए जाते हैं इसके अंदर। नोट स्टार में जाएंगे, नोट स्टार नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी वो आपको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, नोट स्टार को क्रिएट कर सकते हैं। नाइस ऐप, नाइस कैच, ये बहुत अच्छी ऐप है, इसको आप ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में कौन ने क्या क्या किया और कितनी बार आपने सेटिंग चेंज आउट की यहाँ पर। उसके नीचे वन हैंड ऑपरेशन, जो कि स्वाइप कर्सर को एड ऑन करने के लिए हेल्प किया जाता है। स्वाइप कर्सर को आप वहाँ पर देखेंगे, जैसे उसमें मैंने येलो लगाया था वो थोड़े टाइम बाद वहाँ पर अप्लाई हो गई है, आप देख सकते हैं थीम पार्क में लगाया था ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो गया है, जहाँ जहाँ वो अब कलर आ रहे हैं वहाँ वहाँ येलो ऑटोमेटिक आ गए, अब उसको आप दोबारा भी चेंज आउट कर सकते हैं। यहाँ पर रूटीन्स में जाएंगे तो आपने रूटीन्स क्रिएट कर सकते हैं कि किस के रूटीन से क्या हो, अगर आपने कुछ सेट आउट किया हो तो वो यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। मल्टी स्टार से मल्टी विंडो यूज़ करने में जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे उससे आइसोलेटेड एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है, एक एक आप वहाँ पर देख सकते हैं। रेगी स्टार में, रेगी स्टार भी बहुत अच्छा है, आप सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और इसमें बैक टैब और ट्रिपल बैक टैब का फीचर भी यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। साउंड असिस्टेंट, साउंड से रिलेटेड मॉडिफिकेशन आप इस ऐप में कर सकते हैं। तो ये तो हो गए नॉर्मल, मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी, अब इसको कैसे आपको यूज़ करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एक वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको क्यूब पैनल में इसका कलर पैलेट चेंज करके बताया, आपको फिर चेंज करना हो तो वहीं जाइए वापस, आपको जिस कलर को करना है उस कलर को यहाँ पर चूज़ कर लीजिए, लाइक मुझे ये वाला कलर करना है, मैंने ओके करा। ओके करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देना है, उसको आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सेट आउट होता है, उसको ओके करने देना, थोड़ा सेट आउट होने देना, फिर जाके आप देखेंगे तो वो सेट आउट हो जाएगा, आप देख सकते हैं सेट आउट हो चुका है। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है, और भी बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं इसमें गुड लॉक ऐप में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ उसके अपडेट्स के बारे में बताया, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरे वीडियो में तो आप डिसलाइक भी सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या गलत लगा, और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, या बोल सकते हैं कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डीएम करके भी बता सकते हो। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो थैंक यू।